गैसियस एक्सचेंज का हमारा टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम जानते हैं कि दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये दोनों ही ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देख के आ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये जो रेस्पिरेशन है जो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर हो रही है, इनके अंदर आपस में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। वो डिफरेंट किस तरह से है? डिफरेंट इस तरह से है कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एनिमल्स के अंदर हमारे पास, अगर ह्यूमन बींग्स को देखें तो हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं, और अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें तो इसी तरह से उनके अंदर भी कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन हो रही है वो हर सेल की अपनी अपनी रेस्पिरेशन, ठीक है, हर सेल लेवल पे रेस्पिरेशन कॉन्टिन्यू होती है। इसको हम लिख देते हैं, दे लैक स्पेशलाइज ऑर्गन्स। और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लैक करते हैं तो क्या होता है, रेस्पिरेशन किस तरह से होती है? वो सेल लेवल पे होती है, ठीक है, हर सेल पे जितनी उसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की, उस हिसाब से उसके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता रहता है। अब हम देखते हैं कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जब ब्रीथिंग का हमारा प्रोसेस है, ऑक्सीजन गैस जो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है उसके बाद वो हीमोग्लोबिन के अंदर आ जाती है और हीमोग्लोबिन के थ्रू वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से ट्रैवल करेगी? वैसे तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल ये सिस्टम है जिसके थ्रू प्लांट के अंदर फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जब हम गैसेस एक्सचेंज या गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम यूज़ नहीं होते। तो फिर वो क्या चीज़ है जो प्लांट के अंदर यूज़ होती है ताकि वो जो गैसेस प्लांट के अंदर एंटर हुई हैं वो मूव कर सकें? उसके लिए यूज़ होते हैं जी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। जब हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो लेट सपोज ये एक सेल है और ये एक और सेल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है, इस तरह से डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। तो इन सेल्स के दरमियान में कुछ खाली जगह मौजूद होती हैं और इन खाली जगहों को हम कहते हैं, जैसे ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया है, ये है, ये है, इस तरह से कुछ खाली जगह आपको नज़र आ रही हैं और ये जो खाली जगह हैं बेसिकली हम इनको कहते हैं दीज आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल के दरमियान में खाली एयर स्पेसेस पाई जाती हैं और ये वो एयर स्पेसेस हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस जो प्लांट के अंदर एंटर हुई है वो मूव कर सकती है प्लांट के पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो प्लांट के अंदर किस तरह से होता है। अब गैसेस एंटर किस तरह से होती हैं, अगर हम इस प्रोसेस को देखें, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है वो होता है लीफ के ऊपर, ठीक है, और लीफ के जो सेल्स हैं हमने बात की थी, हम उनको कहते हैं लीफ के ऊपर पाए जाते हैं हमारे पास मेसोफिल सेल्स। अब ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनके अंदर होता ये है कि मेसोफिल सेल्स के नीचे के जो लीफ का हमारा लोअर लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ये हमारे पास लीफ है और लीफ के जो नीचे का हिस्सा होगा उससे हम कहेंगे वहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा क्या चीज़ है? स्टोमेटा हम कहते हैं कि वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू गैसेस जो हैं वो प्लांट के अंदर और बाहर, यानी गैसेस का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। स्टोमेटा की अगर हम एक डायग्राम देख लें तो हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लीफ का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये हमारे पास एक लीफ है और लीफ का थोड़ा सा हिस्सा लेके अगर हम उसको अंदर से डिटेल में देखें तो ये लीफ का ऊपर का हिस्सा आ जाता है जिसे हम कह रहे हैं कि एपिडर्मिस है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लीफ का लोअर सर्फेस है, लोअर जो उसका हिस्सा है वो आ जाता है, ठीक है। अब लोअर सर्फेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं, ये है स्टोमेटा, ठीक है। ये बेसिकली एक ओपनिंग है जो कि लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर पाई जाती है और ये वो ओपनिंग है या ये वो सुराख है या ये वो पोर है जिसके थ्रू गैसेस जो हैं वो इस
लीफ के अंदर और बाहर ट्रैवल करेंगी, ठीक है, लीफ के अंदर भी जाएंगी और लीफ से बाहर भी जाएंगी, ठीक है। इस पोर को, इस ओपनिंग को हम स्टोमा या स्टोमेटा भी कहते हैं, जो सेल्स इनको हम कहेंगे स्टोमेटा, ठीक है। और इसके साइड पे जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स और ये वाले जो सेल्स होंगे, हम कहेंगे ये वाले गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है, स्टोमेटा के जो साइड्स पे पाए जाएंगे। बेसिकली अगर हम इसका अलग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स का, ऐसा, ठीक है। इस तरह से अगर आप दो बीन्स बना लें तो इस तरह से हमारे पास ये गार्ड सेल्स बन गए, और इसके दरमियान में हम कहते हैं कि वो स्टोमा है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, ये गार्ड सेल्स अपनी शेप चेंज करते हैं और यहाँ से हमारे पास एक ओपनिंग बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से गैसेस एक लीफ के अंदर एंटर होती हैं या लीफ को लीव करती हैं, यहाँ से गैसेस बाहर निकलती हैं। अच्छा, अगर यंग सेल की बात की जाए या यंग लीफ की या स्टेम की बात की जाए तो उसके अंदर तो इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम डेड सेल्स की बात करते हैं तो डेड सेल्स के अंदर हम जानते हैं स्टेम वगैरह के ऊपर या दरख्त की जो छाल होती है बाहर की साइड पे, उसके डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास स्मॉल ओपनिंग्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर भी रेस्पायरेशन का या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसी न किसी हद तक कैरी ऑन हो रहा होता है। वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि हम जानते हैं कि जो कॉर्क सेल है, कॉर्क टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली, वो डेड सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो डेड सेल से मिलके बने हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। अब ये जो लेंटिकल्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर डेड सेल्स या डेड जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं वहाँ पर उनके अंदर से गैसेस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जब यंग की हम बात करेंगे तो हम स्टोमेटा को कहेंगे कि स्टोमेटा वो ओपनिंग है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और अगर हम डेड सेल्स की बात करें, कॉर्क की बात करें, तो वहाँ पे लेंटिकल्स वो जगह है जहाँ पे रेस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। हम जब एक लेट सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले लें ना टोबैको प्लांट की, टोबैको प्लांट, तो टोबैको प्लांट के अंदर ओवरऑल हम कहते हैं कि 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, या 12,000 आप कह सकते हैं कि ओपनिंग्स या पोर प्रेजेंट हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक सेंटीमीटर का जो एरिया है आपके पास उसके अंदर 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ओपनिंग है और कितनी ज़्यादा तादाद में गैसेस एक्सचेंज जो है यहाँ पर पॉसिबल है। अच्छा, ये गैसेस जब एक लीफ के या एक प्लांट बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो उसके बाद अब उसने मूव करना, हमने बात की थी कि वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, ये जो हमने यहाँ पे देखे थे इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू मूव करेंगी। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं ये कितनी होंगी? अगर हम लीफ से सरफेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तकरीबन 40% ऑफ लीफ जो है ना वो इंटरसेलुलर स्पेसेस पे मुश्तमिल होता है, यानी कि लीफ के अंदर खाली जगह प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, खाली खाली जगह नज़र आ रही है, तकरीबन 40% लीफ का जो एरिया है वो खाली होता है अंदर से, और यही वजह है कि वहाँ से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है, गैसेस का मूव होना पॉसिबल है। एक प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेपरेटली हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेपरेटली हो रहा है, डिफरेंट तरह की गैसेज हैं प्लांट के अंदर भी जा रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, तो वो किस तरह से जा रही हैं? वो इन खाली जगहों की वजह से या इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से यहाँ पे मूव कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, प्लांट के अंदर जब हमने देख लिया, हमने कहा लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है, ठीक है, स्टेम के अंदर भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होता है। जब रूट्स हैं, रूट्स के अंदर क्या होता है? रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो किस तरह से होता है? रूट्स तो एंकर हुई हुई होती हैं सॉइल के अंदर, है ना। तो सॉइल के अंदर से रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो रूट्स और सॉइल आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में नहीं होती, ठीक है, थोड़ी सी एयर उनके साइड्स पे भी प्रेजेंट होती है, जो रूट्स हैं उनके साइड्स पे, ठीक है। तो वो जो एयर स्पेसेस हैं वहाँ पे जो डिजॉल्व या हम कह सकते हैं कि मिक्सड ऑक्सीजन है, रूट्स वहाँ से अपनी ऑक्सीजन ऑब्टेन कर लेती हैं और फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि पानी के अंदर भी कुछ डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स ये करते हैं कि वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रेजेंट है वो उसके अंदर से वो वाली ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, इनहेल तो नहीं हम कहेंगे, अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन या
गैशियस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब एक और टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। बेसिकली जो टॉपिक है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब हमने देखे थे हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस थे, एक हमारे पास था लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके अंदर हमने दो रिएक्शंस देखे थे, एक हमने कहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है, जिसको हम लाइट रिएक्शंस भी कह देते हैं, और दूसरा था हमारे पास डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल था, इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास एक केल्विन साइकिल होता है जो कि डार्क रिएक्शन में कैरी ऑन होता है, ठीक है। ये जो केल्विन साइकिल है इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम केल्विन साइकिल को थोड़ा सा याद करें, केल्विन साइकिल के अंदर होता क्या था, हमारे पास एक कंपाउंड था जिसको हम कहते थे RUBP, रेबुलोस बायफॉस्फेट, ठीक है। रेबुलोस बायफॉस्फेट के अंदर ऐड होता था कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता था जो कि हम कहते थे फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड बनता था और ये प्रोसेस आगे चलता जाता था। जब ये पूरा प्रोसेस बेसिकली एक साइकिल था, फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स बनते थे और अल्टीमेटली होता क्या था कि हमारे पास रेबुलोस बायफॉस्फेट दोबारा से बन जाता था, ATP मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होते थे, ATP से हमारे पास जो है वो ADP बन जाता था, ठीक है, 6 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते थे और हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता था। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो जिसे हमने कह दिया था कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक केल्विन साइकिल है और ये सब कुछ एक एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को, ठीक है। तो ये हमने जनरली एक देख लिया केल्विन साइकिल को, ठीक है। अब फोटो रेस्पायरेशन क्या है, फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यहाँ पे RUBP रेबुलोस बायफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने की बजाय हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है। वो किस तरह से होती है, इसको हम रिएक्शंस में अगर हम देखें तो वो इस तरह से होगा कि हमारे पास रेबुलोस बायफॉस्फेट है और इस रेबुलोस बायफॉस्फेट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमने देखा था कि ये जो केल्विन साइकिल है वो एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है जिसको हम कहते हैं रूबिस्को, ठीक है। कि जो रूबिस्को है ये क्या है, ये रेबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सीलेट या ऑक्सीजनेज होता है, ठीक है, कार्बोक्सीलेज और ऑक्सीजनेज। इसको बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रेबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर हम इसको ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। ये क्या चीज है, ये जो कंपाउंड है इसको हमने रूबिस्को भी बोला, ठीक है, रूबिस्को। ये क्या चीज़ है, बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया का, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन कोई पाया जाता है तो वो ये रूबिस्को प्रोटीन है। ये करता क्या है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड से मिलकर बना प्रोटीन है जो कि एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और ये क्या करता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स हो सकती है और ऑक्सीजन भी फिक्स हो सकती है। जब हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, ठीक है, यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है रेबुलोस बायफॉस्फेट के अंदर, जबकि ये रेबुलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज के और या ऑक्सीजनेज के अंदर ऐसी अहलियत भी है कि ये अपने अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बेसिकली बनेगा उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये जो ग्लाइकोलेट है ये हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड है ग्लाइकोलेट जो बन गया। यहाँ पे जब अगर हम देखें फोटोरेस्पायरेशन सॉरी केल्विन साइकिल के अंदर तो क्या था कि हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बना था, उसके बाद कुछ और बाय प्रोडक्ट्स बने थे और वो जो बाय प्रोडक्ट्स थे वो हमारे लिए यूज़फुल थे, ठीक है। यूज़फुल इस तरह से थे कि हमने देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास बनता था और वापस ये जो साइकिल है ये चलता जाता था जिसके अंदर फिर दोबारा रेबुलोस बायफॉस्फेट बन जाते थे और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। जब हम
फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोलेट बना, और ये जो ग्लाइकोलेट है ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि वेस्टफुल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, ये हमारे या प्लांट बॉडी के अंदर किसी काम का नहीं होता, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो इस तरह के वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं इनको कैरी करने के लिए एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम कहते हैं पेरोक्सिसोम्स। तो होगा ये कि राइबोलोस बायफॉस्फेट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, या रुबिस्को जो है वो अगर ऑक्सीजन को फिक्स करता है और राइबोलोस बायफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन गैस ऐड हो गई है, तो क्या बनेगा कि ग्लाइकोलेट बन जाएगा जो कि टू कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा कि वो जो टू कार्बन कंपाउंड है वो पेरोक्सिसोम्स के अंदर आ जाएंगे, और पेरोक्सिसोम्स क्या करेंगे कि वो इन टू कार्बन कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लाइसिन, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ग्लाइकोलेट था। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन हमारे पास एक और मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो ग्लाइसिन है ये क्या है, बेसिकली इसको हम कहते हैं थोड़ा सा सिंपलर अमाइनो एसिड है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलेट। और ये जो अमाइनो एसिड है ये क्या करेगा कि ये पेरोक्सिसोम से निकल के वापस चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये जो है अब ये प्रोसेस पेरोक्सिसोम में हो रहा था, अब ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे हम कहते हैं ये पावर हाउस ऑफ सेल है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या होगा कि जो ग्लाइसिन है जो हमारे पास यहाँ बने थे, दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सेरीन, और इसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, जिसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास राइबोलोस बायफॉस्फेट था उसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो फिक्स होगी तो ग्लाइकोलेट बना, ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट हो गया सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में। बेसिकली ये कोई वन स्टेप रिएक्शन नहीं, इनके अंदर भी कुछ दरमियान में भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ये तीन मेजर चीज़ें बनती है, ग्लाइकोलेट, एक ग्लाइसिन, और फिर उसके बाद हमारे पास सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है इन विच राइबोलोस बायफॉस्फेट फिक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसेस सीरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे रिएक्शन को या इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। अब ये फोटो रेस्पायरेशन कब होती है, ये फोटो रेस्पायरेशन क्यों होती है, ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जहन में अराइज होते हैं, ये क्वेश्चंस इनका आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। देखें अब केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है वो कब हो रहा है, ये हम कहते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट की ज़रूरत इनको नहीं है। लेकिन जो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर हम कहते हैं कि रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये प्रोसेस तभी होता है जब रोशनी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसका नाम भी है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, फोटो का मतलब है लाइट। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं इसके अंदर हमारे पास एटीपी भी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है, एनएडीपीएच जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बनता है, एनएडीपी पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, ठीक है, और यहाँ से एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है इन रिएक्शंस को कैरी आउट होने में, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है बिकॉज हमारे पास कोई ख़ास बाय प्रोडक्ट नहीं बना, अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट बन गया है जो कि यूज़फुल हो सकता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, बट अदरवाइज ये एक वेस्ट रिएक्शन है। बट ये प्लांट में फिर होता क्यों है, ये होता तब है जब हम कहते हैं कि एक ड्राई डे है, ठीक है, एक खुश्क दिन है और एक गर्म दिन है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा प्लांट का तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ये जो हमने गार्ड सेल्स की बात की थी ना, यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि गार्ड सेल्स अपने आप को क्लोज कर देते हैं ताकि प्लांट के अंदर से जो पानी है वो ज़ाया ना हो सके, ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस रुक जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी में। अच्छा, गार्ड सेल क्लोज हो गए तो क्या होगा कि ना तो ऑक्सीजन गैस इसके अंदर जा सकती है प्लांट के, ना ही बाहर जा सकती है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ना तो अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। तो ओवरऑल होता ये है कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी प्लांट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। अब ऑक्सीजन ज़्यादा होने से होगा क्या कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे पास फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसके अंदर राइबोलोस बायफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन फिक्स होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इससे होगा क्या, बेसिकली तो हम कहते हैं कि रेस्पायरेशन के, सॉरी,
फोटोरेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसकी वजह से हमारे जो एक नेचुरल निज़ाम चल रहा है फोटोसिंथेसिस का वो कम हो जाता है या रुक जाता है, और वो कितना रुक जाता है, तकरीबन 25% जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। बट ये प्रोसेस चलता जाता है, उस वक्त तक चलता जाता है जब तक जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है प्लांट के अंदर वो नॉर्मल नहीं हो जाती या उतनी नहीं हो जाती जितनी उसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा की हमने बात की, उसके बाद हमने लेंटिकल्स को देखा, उसके बाद हमने देखा एक्वेटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। उसके बाद हमने फोटोरेस्पिरेशन की बात की, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर राइबोलस बायफॉस्फेट जो है वो फिक्स करता है ऑक्सीजन गैस को इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके अंदर क्या सीरीज ऑफ रिएक्शन है उनको हमने देखा, और फिर उसके बाद हमने बात की कि ये प्रोसेस किस वक्त हो रहा होता है फोटोरेस्पिरेशन का, और इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है प्लांट की लाइफ के ऊपर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।